हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो साइबर क्राइम के बारे में तो आप सबने सुना होगा, राइट? बट आज मैं आपको कुछ ऐसे साइबर अटैक्स के बारे में बताऊंगी जिससे बड़ी बड़ी टेक कंपनीज को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट, 1994 में सिटी बैंक में साइबर अटैक हुआ था। वैल्डिमिर लेविन जो एक रशियन हैकर थे, उन्होंने सिटी बैंक के काफी कस्टमर्स के कोड और पासवर्ड्स निकाल लिए थे और फिर जुलाई में उन सब कस्टमर्स के अकाउंट से 4 लाख डॉलर्स की एक अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हुई और ये अटैक अक्टूबर तक चल रहा था, जिसमें ऑलमोस्ट 10 बिलियन डॉलर्स की ट्रांजैक्शन वो हैकर्स कर चुके थे। उसके बाद सिटी बैंक ने ये इशू FBI में रजिस्टर करवाया टू ट्रैक द हैकर्स एंड देन 1998 में फाइनली हैकर पकड़ा गया और उसको 3 साल की जेल हुई। उसके बाद सिटी बैंक को जितना भी लॉस हुआ था ऑलमोस्ट वो सारा रिकवर हो गया। सेकेंड, सैसरवॉर जो स्वयं डैस्टन ने किया था एंड ही वाज ओनली 18 इयर्स ओल्ड। इस अटैक में ये आपके सिस्टम को काफी ज्यादा स्लो कर देता है जिससे वो फिर बफर करना स्टार्ट कर देता है। इस अटैक से पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट पड़ा था बट मेनली डेल्टा एयरलाइंस को ज्यादा अफेक्ट था। ये सैसरवॉर मेनली विंडोज को अफेक्ट करता है और इसने वर्ल्ड वाइड मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को डैमेज किया था। डेल्टा एयरलाइंस का पूरा IT सिस्टम इस अटैक की वजह से डाउन हो गया था और फिर चीजें इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई थी कि माइक्रोसॉफ्ट ने रिवॉर्ड रखा था कि जो भी स्वयं जस्टिन को पकड़ के लाएगा उसको 2.5 लाख डॉलर एज अ रिवॉर्ड मिलेंगे। थर्ड, ऑपरेशन शेडी रैट जो 2006 में हुआ था। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि इस अटैक के बारे में 2011 में पता चला जब सिक्योरिटी रिसर्चर ने इसको रिपोर्ट किया। ये अटैक कुछ कंपनीज के साथ साथ गवर्नमेंट्स पे भी हुआ था, लाइक US गवर्नमेंट, कैनेडियन गवर्नमेंट एंड UN गवर्नमेंट। इस अटैक में जो हैकर्स थे वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को चोरी करना चाहते थे और अब तक ये अटैक चल रहा है। इसको अब तक कोई भी ट्रैक नहीं कर पाया है जिस वजह से चाइना पे भी काफी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। फोर्थ, बांग्लादेश बैंक हीस्ट जो 2016 में हुआ था। और इस साइबर अटैक के पीछे नॉर्थ कोरिया का लजारिस ग्रुप था। उन्होंने पूरा प्लान किया था कि वो 1 मिलियन डॉलर चुरा के लेके जाएंगे बट वो एट द एंड सिर्फ 81 मिलियन डॉलर ही ले जाते। इस एक अटैक के पीछे उन्होंने 1 साल तक काम किया था। ये अटैक 4 फरवरी से 16 फरवरी तक चला और इसकी शुरुआत हुई बांग्लादेश के एक प्रिंटर से जिसको बांग्लादेश का सारा बैंक का रिकॉर्ड रखने के लिए यूज किया जाता था। और एक बैंक स्टाफ ने उसे नोटिस किया कि वो ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उन्होंने उसको एक टेक्निकल ग्लिच समझ के इग्नोर कर दिया। बट फिर बाद में जब उन्होंने उसको रीबूट किया तो पता चला कि फेडरल रिजर्व बैंक जहाँ पे बांग्लादेश अपना सारा मनी स्टोर करता था उसमें कमांड थी कि बांग्लादेश की सारी मनी को ड्रेन आउट कर दिया जाए। बट एट द एंड हैकर्स से एक गलती हो गई और उनका पूरा प्लान चौपट हो गया। जब वो पैसे ट्रांसफर कर रहे थे तो उनसे एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई जिससे सारी ट्रांजैक्शन रुक गई और वो सिर्फ 81 मिलियन डॉलर्स ही लेके जा पाए। फिफ्थ, माफिया बॉय जो 2000 में हुआ था। और ये बस उसकी इंटरनेट आइडेंटिटी थी, उसका रियल नेम माइकल था जो एक टीनेज लड़का था। और ये अटैक एक सीरीज था DDoS अटैक का जिसमें हम सर्वर को ओवरलोड कर देते हैं जिससे वो फंक्शन करना बंद कर देता है। और ऐसा करके उसने 4 बड़ी-बड़ी टेक कंपनीज पे अटैक किया था, याहू, फीफा, डेल एंड Amazon। और उसके इस अटैक की वजह से इन सारी कंपनीज को अपना सर्वर बंद करना पड़ गया था और 1.2 बिलियन का नुकसान भी हुआ था। और जब माफिया बॉय एट द एंड पकड़ा गया तो उसकी ये स्टेटमेंट थी कि उसको नहीं पता था कि उसके इस अटैक करने से कंपनी को इतना ज्यादा नुकसान हो गया था एंड ऑल्सो ही वॉज अंडर एज तो उसको सिर्फ 8 मंथ्स की डिटेंशन ही मिली। सो हियर द वीडियो केम टू मिनट। Thank you for watching and don't forget to hit the subscribe button of Tech in Nicks.